सबकी बड़ी खबर, अनिल कृष्णजी महाराज पर हुआ जानलेवा हमला। आगरा नोएडा एक्सप्रेस वे खदौली टोल पर दो तस्करों से बार बार बजे, देखिए पूरी रिपोर्ट। आगरा राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय श्री अनिल कृष्ण जी महाराज को सूचना मिली कि फिरोजाबाद की तरफ से दो ट्रक आ रहे हैं जिनमें गौवंश जा रहे थे। अनिल कृष्ण महाराज को जैसे ही टुंडला में सूचना मिली तो वह उन ट्रकों का पीछा करते हुए निकल पड़े। अनिल कृष्ण जी महाराज ने रास्ते में ट्रक को रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन ट्रक चालक ने रोकने की बजाय अनिल कृष्ण महाराज के ऊपर दो बार ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया एवं धार धार लोहे की रॉड से फेंक कर मारने का भी प्रयास किया। यह प्रक्रिया उसने दो से तीन बार की। जैसे ही कुबेरपुर यमुना एक्सप्रेस वे पर चढ़े तो उन्होंने एक लकड़ी का तख्ता अनिल कृष्ण महाराज की ओर फेंक कर मारा, जिससे कि गाड़ी डिसबैलेंस हो जाए और वह किसी हम अन्य गाड़ी के नीचे आ जाए। लेकिन अनिल कृष्ण महाराज ने मानवता की दाद देते हुए हिम्मत नहीं हारी और ट्रक का पीछा करते हुए यमुना एक्सप्रेस वे खंदोली टोल पर जाकर के दोनों ट्रक को पकड़ लिया। अनिल कृष्ण महाराज को शंका थी इसमें गौवंश जा रहा है, लेकिन गौवंश नहीं था, लेकिन फिर भी पशु उसमें थे। महाराज जी मौके पर ट्रक के पास पहुंचे तो गाड़ी चालक एवं ट्रक में सवार लोग वहां से फरार हो चुके थे। ट्रक पकड़ के थाना कंदोली प्रभारी कंदोली टोल चौकी प्रभारी को उनकी हिरासत में पकड़ कर दे दिया गया एवं अनिल कृष्ण महाराज ने इस पशु क्रूरता अधिनियम, इस घिनौनी हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की अपील की। वहीं खंदोली थाना प्रभारी ने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। आगरा से गिरधारी लाल की रिपोर्ट। श्री महाराज है और मैं राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या कुछ मामला हुआ था इसके पीछे? आप जो ट्रकों पीछे गई थी, सूचना थी कि आप जो गौवंश के पीछे गए थे, क्या कुछ हुआ फिर? देखिए, अभी मुझ में टुंडला में था तो मुझे सूचना मिली कि एक ट्रक कैंटर जा रहा है और मुझे सूचना थी कि कैंटर में गौवंश जा रहा है जी। तो मैं बैठा हुआ था तो जैसा था वैसे ही उठ करके चल भागा मैं। तो मेरे पास साधारणता हमने गाड़ी मंगाएंगे, ड्राइवर आएगा, समय लगेगा, तो हम अपने टू व्हीलर ही लेकर के और एक्टिवा लेकर के और हमारे जीतू भैया हैं उनको हमने बुलाया और लेकर के हम सीधे दौड़ पड़े। तो टुंडला हाईवे से हमने उनका पीछा किया तो वो ट्रक काफ़ी गति से आगे चल रहा था। ऐदमापुर तहसील पर आकर के हमने उसको देखा ट्रक को। जब ऐदमापुर तहसील पर ट्रक को आकर के हमने देखा तो वो थोड़ा आगे था, थोड़ी भीड़ थी, ट्रैफिक था, तो वो थोड़ा आगे निकला। ये सामने आप देखेंगे, सामने जो आपका ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे जाकर के हमने उसको इशारा किया, हमने कहा बेटा थोड़ा रोको जी, रोको। तो उसको शंका हुई कि हम जो है उसका ट्रक रुकवाना चाहते हैं, तो उसने ट्रक नहीं रोका। ट्रक रोकने की बजाय ये जो आगे काड़ी डोर है आपका जो बना हुआ है, वहाँ जा करके उसने हमको कट मार करके और हमें पिच्छी मारना चाहा, कहने का मतलब हमको उसने टक्कर मारना चाहा जी। थोड़ा सा और आगे बढ़े, गाड़ी आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, लेकिन उसने रोका नहीं गाड़ी को और आगे गया। थोड़ा सा हम नगला रामबक्स के पास में पहुंचे तो नगला रामबक्स के पास में उसने कुछ धारदार अपना हथियार निकाल करके, चाहे लोहे की राड कहें या कुछ भी कहें, उसने हमको फेंक करके मारी। तो हम जो है अपना नीचे करके उसको बचा गए। थोड़ा सा और आगे चला गाड़ी, जब आगे चली तो आगे चल करके चला, हमने 112 नंबर भी डायल किया, हमने 100 डायल भी किया पुलिस की सहायता के लिए, लेकिन मैं बार बार डायल कर रहा हूँ, 100 डायल भी कर रहा हूँ और 100 नंबर 112 भी डायल कर रहा हूँ, गाड़ी भी चला रहा हूँ, मेरे पास सभी CUG नंबर हैं, लेकिन मैं नंबर निकालूँ या गाड़ी चलाऊँ, यदि मैं ये सब करता हूँ तो तब तक ट्रक निकल जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना का सर्वप्रथम सर्वध्येय यह है कि हम सनातन धर्म में जीते हैं, तो सनातन धर्म में मानव जाति में हमने जन्म लिया है गौ माता की रक्षा के लिए। यदि सनातन धर्म में जन्म के बाद भी और हमारे सामने एक गौ माता के खून का फायरिंग हुई है, सुनिए। हाँ देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही यमुना एक्सप्रेस वे पर गाड़ी चढ़ी है तो यमुना एक्सप्रेस वे पर गाड़ी चढ़ी तो एक ऐसी अजीब सी आवाज आई, जैसे कि आप कहें जैसे गोली चलती है या एक बॉम्ब होता है, तो हमको एक ऐसी शंका हुई कि इन्होंने हमारे ऊपर गोली चलाई है। तो देखा उसके बाद में तुरंत उन्होंने अपनी गाड़ी से लकड़ी का खूब बड़ा सा पटला जैसा निकाला, वो निकाल करके उन्होंने ऐसे फेंक करके मारा जिससे कि मेरी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाए और मैं जो है गाड़ी की चपेट में आकर के उनकी गाड़ी के नीचे आ जाऊं। वो आगे बढ़ती चली गई। फिर मैंने कहा पुलिस वाले नहीं आए, अब मैंने सोचा आगे यमुना एक्सप्रेस में आ गया है, खंदौली टोल है आगे, और मैं आगे खंदौली टोल पर जो है जाकर के उनको पकड़ पाऊंगा। तो आगे मैं खंदौली टोल पर पहुंचा, वहां खंदौली टोल पर पहुंच करके मैंने एक दो लोगों को और सूचना दी, वहां जाकर के फिर वहां के
चौकी प्रभारी को बुलाया, थाना प्रभारी महोदय को बुलाया, उनको बुला करके जब गाड़ी रुक जाती है टोल पर जाकर के, फिर उनको जाकर के पकड़ा है। तो जैसे ही हम पहुंचे हैं तो जितने भी गाड़ी चालक थे या उनका हेल्पर था, जो भी लोग थे, वो सभी हमको देख करके गाड़ी छोड़ छोड़ करके वहाँ से भाग गए। देखिए जब हमने देखा उसमें, हमको शंका थी कि इसमें गौवंश है, लेकिन उसमें क्या, उसमें पशु थे। पशु का कहने का मतलब हम कटरा कहें, पड्डा कहें, तो जिसमें गाड़ी में आने की जगह है 20, और उस 20 की जगह पर उस गाड़ी में 250 भरे हुए थे। एक परत स्लिप थी कोई, सुनिए, एक परत दूसरी परत, उनके पास एक हार्ट की स्लिप थी, ना किसी पशु का कोई मेडिकल था, ना कोई कुछ था। जैसे आप लोगों को विदित ज्ञात होगा, अगर कभी भी हार्ट से पशु जब निकलता है तो उसका पहले मेडिकल रिपोर्ट भी साथ में होता है, उसकी लिमिट होती है कि आप इस तरीके से लेकर के जा सकते हैं, लेकिन वो नाजायज लेकर के जा रहे थे, उसको हमने वहाँ रोका। उसके बाद पुलिस प्रशासन आया, पुलिस प्रशासन को हमने पूरी जानकारी दी, उनने भी देखा, उन्होंने कहा नाजायज है, जायज नहीं है ये कुछ भी। फिर हमने तहरीर लिख करके दी कि हमको शंका हुई थी गोवंश है, लेकिन गोवंश नहीं निकला है, जीव है, और जीव की रक्षा करना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है। क्योंकि देखिए कहा भी है, परमार्थ के कारणे साधु धरे शरीर। हम सुनिए, हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, हमें अपनी परवाह नहीं थी, क्योंकि हम सनातन धर्म में जीते हैं, तो सनातन धर्म में मानव जाति के लिए, जीव जंतु के लिए हम अपने प्राणों की आहुति भी दे सकते हैं। तो जब हमने ट्रक पकड़े तो दो ट्रक थे, दो ट्रकों में कम से कम, मैं आपको बताता हूँ कि 500 पशु के लगभग संख्या होगी। तो क्या आप मुझे बता दीजिए कि दो ट्रक में 500 पशु आ सकते हैं, नहीं आ सकते। विदित ज्ञात है, वहाँ पर एक पत्रकार बंधु भी पहुँचे, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी कवरेज देखी, थाना प्रभारी महोदय ने और चौकी प्रभारी महोदय ने खुद ट्रक पर चढ़ करके मैंने उनको दिखाया। क्या करना चाहते हैं आप? देखिए मैंने तहरीर लिख करके दी है कि इन्होंने, जैसे मैंने ट्रक का पीछा किया, यदि ये जायज थे तो इनको ट्रक रोकना चाहिए था, देख करके मुझे दिखाना चाहिए था, बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ट्रक नहीं रोका, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। थाना प्रभारी महोदय को बुला करके मैंने तहरीर दी है कि ये जो है नाजायज पशु लेकर के जा रहे थे, और नाजायज के बाद में बिल्कुल जायज नहीं था। इस तरीके से पशुओं के ऊपर अत्याचार हम बिल्कुल नहीं सहेंगे, और हमने तहरीर में लिखा हुआ है स्पष्ट कि इन दोनों ट्रकों के ऊपर एवं इसके मालिक के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। थाना प्रभारी महोदय ने क्या हमको ये भी कहा है कि आपको जानलेवा हमला हुआ? देखिए जानलेवा हमने उसमें नहीं लिखवाया, क्योंकि जिस समय हम जा रहे थे तो हम अकेले ही थे, हमारे पास में ऐसा कोई पीछे का सबूत नहीं था कि जिसके आधार पर हम वहाँ लिखा सकें। लेकिन बैक में गाड़ी आके देखे तो अभी भी पटला पड़ा हुआ है जो उन्होंने हमला किया और वो निकल कर भाग गए। तो ये तहरीर में हमने नहीं दिया है उनको, लेकिन इस पर थाना प्रभारी महोदय ने हमको आश्वासन दिया है कि दोनों ट्रकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जय बंदे गौ मातरम, भारत माता की जय।